I am going to explain next paragraph. However, they managed to find a place. फिर भी उन्होंने मैनेज कर लिया, एक उन्हें एक जगह मिल गई दैट वुड डू, जिसमें प्रिजन रह सकता है. एंड दे पुट द यंग फेलो देयर एंड प्लेस्ड अ गार्ड ओवर हिम. और फिर उस यंग फेलो के लिए, उस नवयुवक के लिए, उस कैदी के लिए उन्होंने वहाँ रख दिया. एंड प्लेस्ड अ गार्ड ओवर हिम, और एक गार्ड उसके लिए रख दिया कि उसकी देखभाल कर सके. द गार्ड हैड टू वॉच द क्रिमिनल. गार्ड का क्या काम था, वो क्रिमिनल को देखे रहता था. एंड हैड आल्सो टू फैच हिज फूड, और उसे खाना भी दिया करता था. फ्रॉम द पैलेस किचन, जो महल में किचन थी उससे उसे खाना भी दिया करता था. ये गार्ड का काम था, उसकी देखभाल किया करता था कि ऐसा ना हो ये भाग जाए, और इसके साथ साथ जो महल में किचन थी उससे खाना दिया करता था. द प्रिजनर रिमेंड देयर मंथ आफ्टर मंथ. जो कैदी था वो रिमेनिश रहा मंथ आफ्टर मंथ, कई महीनों रहा. टिल आ ईयर, जब तक एक साल नहीं हो गई. हैड पास्ट, जब तक एक साल नहीं गुजर गई तब तक वो उसी जेल में रहा. बट वेन आ ईयर हैड पास्ट, लेकिन जब एक साल बीत गया. द किंगलेट, जो राजा था, छोटा सा राजा था, लुकिंग ओवर द अकाउंट ऑफ हिज इनकम, उसने क्या किया, जो उसकी अकाउंट था इनकम का, एंड आय का और व्यय का, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट था, आय और व्यय का जो अकाउंट था, उसके लिए उसने देखा. वन डे, एक दिन, नोटिस, उसने ध्यान दिया, अ न्यू आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च करने का एक नया आइटम, खर्च करने का एक न्यू आइटम उसने देखा. दैट वॉज फॉर द कीप ऑफ द क्रिमिनल, जो किसके लिए रखा गया था, क्रिमिनल के लिए रखा गया था. एक उसमें व्यय का एक खाता बना हुआ था, जो किसके लिए था, क्रिमिनल के लिए था, अपराधी के लिए था. नॉट वॉज इट अ स्मॉल आइटम आइदर, लेकिन कोई ये छोटी बात नहीं थी, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी. देयर वॉज अ स्पेशल गार्ड, उसके लिए एक स्पेशल गार्ड रखा हुआ था. एंड देयर वॉज ऑल्सो द मैंस फूड, और उसके लिए एक मैंस फूड, उस व्यक्ति के लिए खाना भी था उसमें, उस अकाउंट में ये भी लिखा हुआ था. इट केम टू मोर देन 600 फ्रैंक्स अ ईयर, और इसमें एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मोर देन 600 फ्रैंक्स अ ईयर, एक साल में 600 फ्रैंक्स से अधिक उसमें एक्सपेंडिचर था. एंड द वर्स्ट ऑफ इट वॉज दैट द फेलो वॉज स्टिल यंग एंड हेल्दी, और इससे बुरा ये था कि राजा ने देखा था जो फेलो है, जो जेली है, वो कैसा है, अभी भी बहुत यंग है और हेल्दी है. एंड माइट लिव फॉर 50 ईयर्स, अब कितने का दिख रहा था, 50 ईयर्स का लग रहा था, वो यंग भी लग रहा था और हेल्दी भी लग रहा था. व्हेन वन केम टू रेकन इट अप द मैटर वॉज सीरियस, जब ये सब उसकी नॉलेज में आया तो मैटर बहुत ही सीरियस हो गया था. इट वुड नेवर डू, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. सो द किंग समवन हिज मिनिस्टर्स एंड सेड टू देम, इसीलिए राजा ने क्या किया, समन किया, समन मीन्स बुलाया, अपने मिनिस्टर्स के लिए, अपने मंत्रियों के लिए बुलाया. एंड सेड, और उनसे कहा, टू देम, यू मस्ट फाइंड सम चीपर वे ऑफ डीलिंग विद दिस रास्कल, तुम्हें क्या करना है, इससे भी चीपर मीन्स इससे भी सस्ता कोई रास्ता देखना है, चीपर वे देखना है मीन्स इससे कोई सस्ता रास्ता देखना है. ऑफ डीलिंग विद द रास्कल, उस बदमाश के लिए तुम्हें क्या करना है, इससे भी कोई सस्ता रास्ता देखना है. प्लान इज टू एक्सपेंसिव, जो अपनों ने प्लान बनाया है वो बहुत ही महंगा है, बहुत ही खर्चीला है. एंड द मिनिस्टर्स मेड एंड कंसीडर एंड रिकन्सिडर्ड, और फिर मिनिस्टर इकट्ठे हुए, उन्होंने भी अपनी बातें सभा की और समझा. टिल वन ऑफ देम सेड, फिर एक ने कहा, टिल वन ऑफ देम सेड, फिर उनमें से एक मिनिस्टर्स ने कहा, जेंटलमैन, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, वी मस्ट डिसमिस द गार्ड, हमें उस गार्ड के लिए जो उसकी रक्षा कर रहा है, देखभाल कर रहा है, उसके लिए डिसमिस कर देना चाहिए, इससे कि कम खर्च होगा. वट देन रिजॉइंड अनदर मिनिस्टर, फिर तुरंत उस दूसरे मिनिस्टर ने कहा, द फेलो विल रन अवे, इससे क्या होगा, जो फेलो है, जो कैदी है, वो भाग जाएगा.
वेल ठीक है, द फर्स्ट मिनिस्टर स्पीकर, जो फर्स्ट स्पीकर था, जो पहला मंत्री था, उसने कहा ठीक है और अच्छी बात है कि वो भाग जाएगा, लेट हिम रन अवे, उसे भाग जाने दो। सो दे रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ द डेलीगेशन टू द किंगलेट, और ऐसे ही उन्होंने उस रिपोर्ट के लिए, उस रिपोर्ट का रिजल्ट किंगलेट के सामने, उस राजा के सामने डिलीवर किया, उसके लिए बताया। थैंक्स स्टूडेंट्स।